गधपुरी थाना पुलिस झगड़े के एक मामले में जब आरोपी पक्ष के व्यक्ति को थाना आने का संदेश देने पहुंची तो आरोपी ने पुलिस पर कुल्हाड़ी और कैंची से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। हमले के दौरान दो पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिसकर्मी पर हमले की सूचना मिलते ही अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए। पुलिस का कहना है कि जब पुलिस कर्मचारियों ने मौके पर आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया तो वह दीवार कूदकर भागने का प्रयास करने लगे और उसी दौरान वह गिरकर चोटिल हो गया। फिलहाल पुलिस ने घायल पुलिसकर्मियों और हमलावर को उपचार के लिए पलवल के नागरिक अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहाँ उनका उपचार चल रहा है और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पुलिस पर जानलेवा हमला करने के संबंध के केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हमलावर के परिजनों का कहना है कि वह गिरकर चोटिल नहीं हुआ बल्कि पुलिस ने उनको डंडे से जमकर पीटा है, जिस कारण उसे गंभीर चोट आई है और उसके पैरों में फ्रैक्चर आया है। गधपुरी थाना प्रभारी धर्मचंद्र ने बताया कि बघोला गांव में दिनेश व कृष्ण का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसके संबंध में कृष्ण ने एक शिकायत गधपुरी थाना की बघोला चौकी में दे दी। शिकायत के संबंध में बघोला पुलिस चौकी से हवलदार सुंदर व एसपीओ राजकुमार दिनेश को शिकायत के संबंध में पुलिस चौकी बघोला में आने के लिए कहने उसके घर पहुंचे, जहां पुलिसकर्मी ने जैसे ही दिनेश से कहा कि उसके खिलाफ शिकायत मिली है और उसे चौकी में आना पड़ेगा तो आरोपी दिनेश ने पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया। हमले में ईएचसी सुंदर को उल्टी कुल्हाड़ी सिर पर मारी व एसपीओ राजकुमार के पेट में कैंची से हमला कर दोनों को घायल कर दिया। पुलिस के साथ झगड़े की सूचना मिलते ही गधपुरी पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायल दोनों कर्मचारियों को उपचार के लिए जिला नागरिक अस्पताल भिजवा दिया और आरोपी दिनेश को हिरासत में ले लिया। चिकित्सकों के अनुसार दोनों पुलिसकर्मी की हालत खतरे से बाहर है। पीड़ित कृष्ण व आरोपी दिनेश दोनों चचेरे भाई हैं और उनका जमीनी विवाद चल रहा है। पुलिस का कहना है कि पुलिस जब आरोपी को पकड़ने के लिए गई थी उस दौरान आरोपी ने दीवार कूदकर भागने का प्रयास किया था, लेकिन दीवार से गिरने के कारण उसे भी चोट आई, जिसका भी उपचार कराया जा रहा है। वहीं हमलावर के परिजनों का कहना है कि वह मानसिक रूप से परेशान है, जिसका इलाज चल रहा है। किसी मामले में पुलिस उसे पकड़ने के लिए आई थी और इस दौरान पुलिस ने उसको जमकर डंडों से भी पीटा है, जिस कारण उसे गंभीर चोट आई, जिसका उपचार चल रहा है। परिजनों का कहना है कि पुलिस सरासर झूठ बोल रही है। पुलिस की पिटाई से दिनेश के पैरों में फ्रैक्चर आया है। उन्होंने पुलिस को भी काफी रोकने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी। कल इसने इसका हाफ मेंट है, दवाई खिलाती हूँ, गोली खा के सो जाता है। पूरे दिन इसकी रखवाल कर लेती, इसके पास ही में रहती, कभी बच्चे से लटका, कभी बहू से, कभी पापा से, छोटा बेटा से कह रहा कि मैंने तू इससे बोली है, इसके मन में आवे जिससे ही कर रहा। कल मैं खेत चली गई, खेत नदी, इसने कोई डंडी वगैरह जब क्या उसके मारती देवर भी लटका के उसने हमने कि मार दी। मैंने उससे जो कह दी भाई और काट रहे आप ये दिमाग काट दी है, इसके दिमाग ना आए तुम्हें सब तो पता हो और उसकी पड़ोसी पता हो, मैं यहाँ बैठी हूँ आपका ही दिमाग कर पुलिस मारो आए। आरोपी मैं बघोला चौकी से एसपी राजकुमार और मेरे साथ ईएसटी सुंदर दोनों हम सरकारी राइडर लेके गए थे बघोला में दिनेश सनोप मामराज के घर। तो वहाँ पे हमने नोटिस जाके नहीं दिखाया कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारे झगड़े की कोई दरखास्त आई है, नोटिस है, इसको साइन करना है और 5 बजे आपको क्या नाम है चौकी में हाजिर होना है। तो इतना कहते ही दीवार के मोखले में से कैंची निकाल के मेरे ऊपर ताबड़तोड़ उसने कैंचियों से वार किया, जिससे मैं जख्मी हो गया और चक्कर खा के गिर गया और उस बड़ी मुश्किल से जान बचा के मैं भाग के बाहर निकला। तो दूसरे ये सुंदर तो उसका सीधा पेट में कुल्हाड़ी मारी थी, लेकिन वो घूम के उल्टी साइड से लगी, वो बच गया, वो भी जान बचा के भाग गया बाहर। हम दोनों फिर बाहर भाग गए। कैंची कितनी बार लगी आपके ऊपर? कैंची के मेरे ऊपर 3-4 बार किए थे, जो हाथ में वार किया था तो उससे नस कट गई, उसमें ब्लीडिंग नहीं रुका और जो बगल में मेरे कैंची फंसी रह गई, हंसी रह गई थी। हाँ, तो मैंने हाथ से निकाल के फेंक दी। ये आज समय करीब 10:30 बजे सुबह है, बघोला चौकी के दो मुलाजम ईएचसी सुंदर व एसपी राजकुमार कोई दरखास्त के संबंध में कोई किसी को नोटिस देने के लिए गए थे कि भाई आपको आपके खिलाफ दरखास्त है और आप शाम को 5 बजे चौकी में आ जाओ ताकि दोनों पक्षों को बैठा कर आपका सुलझाया जा सके आपका जो भी केस है।
जो भी दरकार साहब खिलाफ। उसके बाद में जब वो गए, दोनों मुलाजिम उनके घर गए, तो दिनेश नाम का जिसके खिलाफ दरकार थी, उसने हमारे एक एसपी पर कैची से वार कर दिए और हमारे एक ईएचसी पर सुंदर पर कुल्हाड़ी से उसके पेट में वार कर दिया, जबकि कुल्हाड़ी